स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसे ऑनियन पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, ऑनियन पेंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑनियन चाहिए हाफ कटे हुए, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर। आप पेंट ब्रश से एक प्लेट में साइड में ब्राउन कलर एंड साइड में ग्रीन कलर पहले से ही रख लो। स्केच पेन चाहिए। अगर आपके पास मार्कर है, थिक मार्कर, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनियन पेंटिंग से हम आज ट्री बनाएंगे। ठीक है, आपके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक अर्थ डे होते हैं, ग्रीन डे, एनवायरमेंट डे, तो इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में हम इस एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे ड्राइंग शीट में बॉर्डर प्रिपेयर कर लेना है। जब भी हम बॉर्डर प्रिपेयर करके अपनी एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने ऐसे बॉर्डर को बनाया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप बॉर्डर पेंटिंग करने के लिए ना बटरफ्लाई भी आप यहाँ बना सकते हैं। आप कुछ भी, जैसे कार्टून, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी, कार्टून बना सकते हैं, या फिर आप सर्कल बना सकते हैं, या अपने स्मॉल फिंगर जो है हमारा, लिटिल फिंगर, उसकी हेल्प से ऐसे फिंगर प्रिंट भी दे सकते हैं। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, इस तरह के बॉर्डर भी। ओके, तो देखिए मेरा बॉर्डर ऐसे प्रिपेयर है, ये ऐसे मैंने अपने ड्राइंग शीट पे बॉर्डर बना ली है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक ट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्री ड्रॉ करने के लिए यू कैन यूज पेंसिल, और इफ यू हैव अ गुड ड्राइंग तो आप डायरेक्ट ही इसको ड्रॉ कर लो ट्री को, लाइक ओके। फिर इसके ट्रंक बना लिया आपने, अब आप इसका ब्रांचेस बनाएंगे। ब्रांचेस को आपको लाइक दिस थोड़ा स्प्रेड करके बनाना है। ठीक है, ये आपका ट्री बनकर प्रिपेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना इंडेक्स फिंगर यूज करना है। क्या यूज करना है? इंडेक्स फिंगर। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर वी हैव टू पुट आवर फिंगर इन प्लेट एंड डिप विथ कलर्स, एंड यहाँ पर ऐसे हमें अपने फिंगर्स को पॉइंट्स देने हैं, ऐसे लाइक दिस। ध्यान रखिएगा कि आप लोग वाटर मिक्स नहीं करिएगा कलर में, वाटर को कलर में मिक्स नहीं करना है। जो सीधे वाटर कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स को सीधे अपने फिंगर पर टिप करके इसको पेंटिंग को प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम अपने इंडेक्स फिंगर की हेल्प से ऐसे डॉट्स, पॉइंट पॉइंट इम्प्रेशन देंगे, लाइक आप देख रहे होंगे। और मैं बताऊं, इसे करने में ना बहुत मजा भी आता है, हम एंजॉय भी बहुत करते हैं। देखो, ये डॉट्स देते जाएंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कलर्स फिंगर पर लेने हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से कलर्स से पूरा मिक्स कर दो, क्योंकि क्या है कि जो ट्रंक होता है थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है ना, तो थोड़ा सा उभरा हुआ लाने के लिए इसको हमें थिक कलर्स यूज करने होंगे। विदाउट वाटर वी यूज कलर लाइक, एक सीक्वेंस याद रखिएगा, जैसे आप यहां से ऐसे कर रहे हैं इसको, तो ये सीधे ही ऐसे जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यहां कलर किया फिर यहां कलर करने लगे, आपका इम्प्रेशन नहीं तो ये अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ऐसे कंटिन्यू ऐसे ऐसे करते हुए इस पेंटिंग को फिनिश करनी है। एक सीक्वेंस में
अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको टॉप टू बॉटम ही इसको करना है, और अगर बॉटम टू टॉप आ रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में इसको कलरिंग करनी है। देखिए ब्रांचेस का टॉप साइड हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब बॉटम साइड इसको हम एक पैरेलल लाइन की जैसे बना सकते हैं। देखिए पैरेलल लाइन, इनका सीक्वेंस जब ऐसे रहता है तो ये कलर अच्छे लगते हैं। इनको सीक्वेंस में देना है। जो व्हाइट पोर्शन रह जा रहा है इसको हम बाद में फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें शेप इसका दे देना है। ऐसे आपको इसको कवर अप करना है। थोड़ा स्लोली स्लोली करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा कलर को ड्राई भी होने देना है, जिससे हम इसके जब ऑन लगाते हैं कलर यूज करते हैं तो जो वाइट पोर्शन है उस पर यूज करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ इसके ऊपर से है, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे ड्राई होने के बिना ही ऐसे कर दोगे तो फिर वो हमें उभरा हुआ सा फील नहीं देगा, ठीक है। ये मैंने उसके ट्रंक को कवर अप कर दिया कलर करके। ऐसे आपको अपने इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इसको करना है। ये देखिए हमारा ट्रंक फिनिश हो गया, ठीक है। अब हमने ट्रंक प्रिपेयर कर लिया। अब हमें क्या बनानी है, ब्रांचेस, ओके। तो ब्रांचेस बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ ऑनियन, ओके। ऑनियन आपको नहीं कट करना है, अपने पेरेंट्स से कट करवाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑनियन कट किए हैं ऐसे ही आपको अपने पेरेंट्स से बोलने हैं कट करने को। आपको अपने पेरेंट्स से कहना है कि मैं ये एक्टिविटी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मुझे ऐसा ऑनियन चाहिए। देन आप हाफ ऑनियन ले लेंगे और पेंट ब्रश की हेल्प से, ठीक है, पेंट ब्रश की हेल्प से आप इस पर इसको कलर कर लेंगे ऑनियन को। वाटर बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, कलर को बस इसके ऊपर यूं पोर करना है, बस ऐसे इस पे इसके इम्प्रेशन को आने के लिए इसको इसी के शेप पर हमें इसको ब्रश से कलर कर देने हैं, ओके। अब हम इसका इम्प्रेशन ट्री पर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो बॉर्डर है हम बॉर्डर को कवर करेंगे। बॉर्डर को कवर करते हुए हमें इसको राउंड देना है, ठीक है। अब देख रहे हैं ऐसे राउंड देना है, ठीक है। जब आप राउंड दोगे तो इम्प्रेशन अच्छा आएगा। देन इसके कॉर्नर्स को कवर करते हुए हमें ऐसे इम्प्रेशन देना है। ध्यान रखना ऑनियन को सर्कल के शेप में हमें रोल रोल करके यू ऐसे ऐसे मूव देना है, ओके। जब हम ऐसे मूव देंगे तभी हमारा ऑनियन का इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, ओके। जब आपका ऑनियन लगता है कि ड्राई हो गया तो आप फिर से इस पर कलर मिक्स करेंगे
और फिर से सेम प्रेशर लाइक दिस। स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसे ऑनियन पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, ऑनियन पेंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑनियन चाहिए हाफ कटे हुए, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर। आप पेंट ब्रश से एक प्लेट में साइड में ब्राउन कलर एंड साइड में ग्रीन कलर पहले से ही रख लो। स्केच पेन चाहिए। अगर आपके पास मार्कर है, थिक मार्कर, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनियन पेंटिंग से हम आज ट्री बनाएंगे। ठीक है, आपके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक अर्थ डे होते हैं, ग्रीन डे, एनवायरमेंट डे, तो इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में हम इस एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे ड्राइंग शीट में बॉर्डर प्रिपेयर कर लेना है। जब भी हम बॉर्डर प्रिपेयर करके अपनी एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने ऐसे बॉर्डर को बनाया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप बॉर्डर पेंटिंग करने के लिए ना बटरफ्लाई भी आप यहाँ बना सकते हैं। आप कुछ भी, जैसे कार्टून, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी, कार्टून बना सकते हैं, या फिर आप सर्कल बना सकते हैं, या अपने स्मॉल फिंगर जो है हमारा, लिटिल फिंगर, उसकी हेल्प से ऐसे फिंगर प्रिंट भी दे सकते हैं। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, इस तरह के बॉर्डर भी। ओके, तो देखिए मेरा बॉर्डर ऐसे प्रिपेयर है, ये ऐसे मैंने अपने ड्राइंग शीट पे बॉर्डर बना ली है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक ट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्री ड्रॉ करने के लिए यू कैन यूज पेंसिल, और इफ यू हैव अ गुड ड्राइंग तो आप डायरेक्ट ही इसको ड्रॉ कर लो ट्री को, लाइक ओके। फिर इसके ट्रंक बना लिया आपने, अब आप इसका ब्रांचेस बनाएंगे, और ब्रांचेस को आपको लाइक दिस थोड़ा स्प्रेड करके बनाना है। ठीक है, ये आपका ट्री बनकर प्रिपेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना इंडेक्स फिंगर यूज करना है। क्या यूज करना है? इंडेक्स फिंगर। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर वी हैव टू पुट आवर फिंगर इन प्लेट एंड डिप विद कलर्स, एंड यहाँ पर ऐसे हमें अपने फिंगर्स को पॉइंट्स देने हैं, ऐसे लाइक दिस। ध्यान रखिएगा कि आप लोग वाटर मिक्स नहीं करिएगा कलर में, वाटर को कलर में मिक्स नहीं करना है। जो सीधे वाटर कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स को सीधे अपने फिंगर पर टिप करके इसको पेंटिंग को प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम अपने इंडेक्स फिंगर की हेल्प से ऐसे डॉट्स, पॉइंट पॉइंट इम्प्रेशन देंगे, लाइक आप देख रहे होंगे। और मैं बताऊं, इसे करने में ना बहुत मजा भी आता है, हम एंजॉय भी बहुत करते हैं। देखो, ये डॉट्स देते जाएंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कलर्स फिंगर पर लेने हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से कलर्स से पूरा मिक्स कर दो, क्योंकि क्या है कि जो ट्रंक होता है थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है ना, तो थोड़ा सा उभरा हुआ लाने के लिए इसको हमें थिक कलर्स यूज करने होंगे। विदाउट वाटर वी यूज कलर लाइक, देखिए
एक सीक्वेंस याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ से ऐसे कर रहे हैं इसको, तो ये सीधे ही ऐसे जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ कलर किया फिर यहाँ कलर करने लगे, आपका इम्प्रेशन नहीं तो ये अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ऐसे कंटिन्यू ऐसे ऐसे करते हुए इस पेंटिंग को फिनिश करनी है। एक सीक्वेंस में अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको टॉप टू बॉटम ही इसको करना है, और अगर बॉटम टू टॉप आ रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में इसको कलरिंग करनी है। देखिए ब्रांचेस का टॉप साइड हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब बॉटम साइड इसको हम एक पैरेलल लाइन की जैसे बना सकते हैं। देखिए पैरेलल लाइन, इनका सीक्वेंस जब ऐसे रहता है तो ये कलर अच्छे लगते हैं, इनको सीक्वेंस में देना है। जो व्हाइट पोर्शन रह जा रहा है इसको हम बाद में फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें शेप इसका दे देना है। ऐसे आपको इसको कवर अप करना है, थोड़ा स्लोली स्लोली करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा कलर को ड्राई भी होने देना है, जिससे हम इसके जब ऑन लगाते हैं कलर यूज करते हैं तो जो वाइट पोर्शन है उस पर यूज करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ इसके ऊपर से है, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऐसे ड्राई होने के बिना ही ऐसे कर दोगे तो फिर वो हमें उभरा हुआ सा फील नहीं देगा, ठीक है। ये मैंने उसके ट्रंक को कवर अप कर दिया कलर करके। ऐसे आपको अपने इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इसको करना है। ये देखिए हमारा ट्रंक फिनिश हो गया, ठीक है। अब हमने ट्रंक प्रिपेयर कर लिया, अब हमें क्या बनानी है, ब्रांचेस, ओके। तो ब्रांचेस बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ ऑनियन, ओके। ऑनियन आपको नहीं कट करना है, अपने पेरेंट से कट करवाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑनियन कट किए हैं ऐसे ही आपको अपने पेरेंट से बोलने हैं कट करने को। आपको अपने पेरेंट से कहना है कि मैं ये एक्टिविटी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मुझे ऐसा ऑनियन चाहिए। देन आप हाफ ऑनियन ले लेंगे और पेंट ब्रश की हेल्प से, ठीक है, पेंट ब्रश की हेल्प से आप इस पर इसको कलर कर लेंगे ऑनियन को। वाटर बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, कलर को बस इसके ऊपर यूं पोर करना है बस ऐसे। इस पे इसके इम्प्रेशन को आने के लिए इसको इसी के शेप पर हमें इसको ब्रश से कलर कर देने हैं, ओके। अब हम इसका इम्प्रेशन ट्री पर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो बॉर्डर है हम बॉर्डर को कवर करेंगे, बॉर्डर को कवर करते हुए हमें इसको राउंड देना है, राइट। अब देख रहे हैं ऐसे राउंड देना है, ठीक है। जब आप राउंड दोगे तो इम्प्रेशन अच्छा आएगा। देन इसके कॉर्नर्स को कवर करते हुए हमें ऐसे इम्प्रेशन देना है। ध्यान रखना ऑनियन को सर्कल के शेप में हमें रोल रोल करके यू ऐसे ऐसे मूव देना है, ओके। जब हम ऐसे मूव देंगे तभी हमारा ऑनियन का इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, ओके।
जब आपका ऑनियन लगता है कि ड्राई हो गया तो आप फिर से इस पर कलर मिक्स करेंगे और फिर से सेम ब्रश लाइक दिस।